व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले सीरीज। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं पैल वर्ल्ड। तो गाइस, आप लोगों ने बचपन में कभी ना कभी पोकेमोन तो देखा ही होगा, वही अपने पिकाचू, चेरिजोर्ड, बल्बसोर। आज वाला गेम भी कुछ इसी टाइप का होने वाला है। एक्चुअल में गाइस, ये वाली गेम माइनक्राफ्ट एंड पोकेमोन दोनों का मिक्सचर है। तो गाइस, इस वाली गेम के अंदर में हम लोगों को एक सुंदर से वर्ल्ड में उतार दिया जाता है, जहाँ चारों तरफ अलग अलग टाइप के पोकेमोन्स है। एक्चुअल में पोकेमोन्स नहीं, इस वाली गेम में पोकेमोन्स को पोकेमोन्स नहीं कहते बल्कि उनको पैल कहते हैं। बट मैं पोकेमोन ही कहूंगा। इन पोकेमोन्स में कुछ तो बहुत ही तगड़े तगड़े और बड़े हैं और बिल्कुल ही वीक हैं, और कुछ बिल्कुल ही छोटे छोटे और बहुत ज्यादा ही तगड़े हैं। इस गेम के अंदर में अलग अलग आइलैंड्स है जहाँ पे है खतरनाक और अलग अलग मॉन्स्टर्स, जिन्हें हमें इस गेम में मार के इस गेम को खत्म करना है। बट हमको उसके लिए पोकेमोन्स पकड़ने होंगे। उन पोकेमोन्स को पकड़ के अपना पेट बनाने के लिए हमें उनसे फाइट करके उनको पोकेबॉल में डालना होगा, जो काम सुनने में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बट एक्चुअल में काफी ज्यादा मुश्किल है। गाइस, चलो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट कर इस वाली गेम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा ही मजा आने वाला है इस पोकेमोन प्लस माइनक्राफ्ट। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं गेम में, और गेम में ना हमको अपना एक कैरेक्टर बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर है। और यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है, बट ये सारी फीमेल है यार, मुझे कोई मेल दिखाओ। ओ भाई, ये देखो भाई, ये लग रहा है ना प्रॉपर खतरनाक गुंडा सा, बट अपने को नॉर्मल चाहिए, ये तो एनिमे कैरेक्टर लग रहा है। इस वाले को देखो भाई, ये लग रहा है ना गुंडा सा। खैर यहाँ पे एक ये भी है भाई, ये तो पूरा शिकारी लग रहा है। ये बढ़िया है, ये परफेक्ट लग रहा है भाई। खैर हम लोग यहाँ पे बॉडी वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बॉडी एडजस्ट कर सकते, छी भाई अपने को नॉर्मल रखनी है बॉडी। इतनी देख रहे हो भाई, 8-pack abs है इस पे। हम लोग आर्म साइज भी बढ़ा सकते हैं, और भाई ये बन चुका है 60 inch का डोला। बट अपने को इतना भी खतरनाक डोला नहीं चाहिए भाई, थोड़ा कम ही चाहिए, थोड़ा नॉर्मल। हाँ भाई, इतना परफेक्ट लग रहा है। और लेग साइज भी बढ़ा सकते हैं भाई, एक मिनट जरा ये रखो। नहीं भाई, हमको नॉर्मल ही रखना है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फेस वगैरह चेंज कर सकते हैं भाई। यहाँ पे लड़की वाला फेस भी अच्छी थी, ये नहीं रख रहा भाई। और यहाँ पे एक ये दाढ़ी वाला फेस भी है जो कि काफी मस्त लग रहा है। बट ये देखो भाई, गुस्से वाला फेस, ये मेरे ख्याल से तो परफेक्ट लग रहा है। और खैर हम लोग यहाँ पे आई टाइप चेंज कर सकते हैं, ये वाला एक ये वाला है। ये देखो भाई, आंखें उल्टी हो गई, ये सांप जैसी आंख, अपने को नॉर्मलाइज रखनी है। खैर ठीक है गाइस, आई कलर ना मैंने यहाँ थोड़ा सा स्काई ब्लू कर दिया है। हम लोग हेयर वगैरह चेंज कर सकते हैं, नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही बड़े हेयर हो गए भाई, लड़कियों टाइप के लग रहे हैं, थोड़ा सा गुंडा टाइप लग रहा है, ये रखते हैं। और हेयर का कलर हम लोग ब्लैक रखेंगे भाई। ठीक है, मैंने हेयर कलर वगैरह सब ब्लैक रख दिया। यार ये ना कुछ ज्यादा ही गोरा चिट्टा हो गया मेरे ख्याल से, तो थोड़ा सा नेचुरल कलर दो, ये परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अभी हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं फटाफट से, चलते हैं अपनी गेम पैल वर्ल्ड में। और ये क्या भाई, हमारे सामने कुछ 3 पोकेमोन है। अबे भाग गए भाई, क्या ही भाग गया फनी तरीके से। खैर ठीक है, मेरे को लग रहा है ना ये कोई तो बोट वगैरह थी जो कि टूट रखी है अभी पूरी। द टावर्स आर द की, ठीक है भाई। अभी मुझे सामने कोई तो टैब टाइप कुछ मिला था जिसमें लिखा हुआ था टावर ही सच है, और वही चाबी है। ठीक है भाई, अभी हम लोग यहाँ आ चुके हैं, और हमारी ना बोट वगैरह क्रैश हो चुकी थी, और उसमें लिखा था द टावर्स आर द ट्रुथ। खैर अभी यहाँ पे एक अच्छी खासी लिस्ट आ रखी है जो कि मुझे पूरी करनी है। एक्टिवेट अ ग्रेट ईगल स्टैचू टू अनलॉक फास्ट ट्रेवल, ये है अपना गेम का वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ सामने ना मेरे को ईगल का स्टैचू तो दिख रहा है, जिसको मुझे कैसे एक्टिवेट करना है। ठीक है, फास्ट ट्रैवल अनलॉक, अभी हम लोग फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, और ये अपना मैप खुला है। यार तुम लोग दूर दूर तो देखो, ये क्या ही जगह है भाई। और वो पेड़ देखो जरा सामने, मतलब वो राइट साइड में तुम लोग एवरेस्ट जितना पहाड़ देख सकते हो, और पेड़ उससे बड़ा है। खैर वो सब तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है। और ये है वो पैल, खैर इस पैल का नाम क्या है, कैटिवा। अभी किधर भाग गई वो वाली, ये भाग रही है मुझसे। अभी रुक रुक, तेरी ऐसी की तैसी, इनसे लड़ नहीं सकता हूँ क्या मैं, तेरी ऐसी की तैसी। यहाँ यहाँ इनको इनको पकड़ने की कोशिश करूँ क्या, बट पकड़ने के लिए मुझे चाहिए ओके बोलो। और ये कितनी तेज भाग रही है, अभी डर के मत भागो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इधर आ, इधर आ, भाग गई। ठीक है कोई बात नहीं, हमने लुक देख के भाग गई। अबे आ गई, आ गई, अबे आ जा, आ जा, कुछ भी नहीं होगा। खैर यहाँ पे वुड पड़ी हुई है, और गाइस इस गेम में ना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज वुड ही है, कि बिना वुड के इस गेम में कुछ भी नहीं बन सकता। खैर अभी ना पोकेमोन्स वगैरह मुझसे डर के बेफालतू में भाग रहे हैं, मुझे पता है इनको पैल कहते हैं, बट मैं पोकेमोन कहूंगा। खैर वहां सामने कुछ तो शीप टाइप है, एक बार इसके पास में चल के देखते हैं भाई। ओ भाई इसका नाम है लैम्बोल, ओ कितनी क्यूट है भाई ये। भाई वैसे कुछ भी कहो, ये पोकेमोन्स है तो बहुत ज्यादा ही क्यूट। हेलो, खैर अभी ये लोग ना बिल्कुल ही शरीफ से है, ये लैम्बोल कितना ज्यादा क्यूट है। बट मैं इसे पीट सकता हूँ क्या, वो उसको दर्द हुआ भाई, बुरा लगा बेचारे को। अबे तेरी भाई, ये तो सही में बोल है यार, कैसे गोल गोल घूम के उसको बेचारे को चक्कर आ चुके हैं अभी। हाँ भाई
अबे ओए मार रहा है भाई, भाई उसने बहुत तेज के मारा मेरे को। अबे ओ मार मत, ठीक है मैं ऐसे डोज कर सकता हूँ इनसे बचने के लिए, मार मत ठीक है, सॉरी वैसे देख रहा था, ऐसे डोज कर दो भाई जैसे ही आ रही है। अबे ठीक है बेफालतू में इधर उधर सर मत बिठा यार, यह है तो बहुत ही घोंचू और क्यूट पोकेमोन, ऐसे बच। अबे मैंने उसे झटका मार दिया डोज करके। अबे भाई मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को तेरे से लड़ाई करनी नहीं है, मैं जा रहा हूँ ऐसे भाई जा रहा हूँ, गलती हो गई भैया गलती हो गई, बस मैं जा रहा हूँ, आ मत जाइयो भी पीछे पीछे कभी आ जाए लड़ने के लिए। आ रही है भाई, आ रही है मुझे नहीं पता भाई ये कौन है, मेल है फीमेल है, आया अभी तो मैं साइड में से ही निकल जाऊंगा भाई, बेफालतू की लड़ाई चाहिए नहीं, सॉरी कह तो रहा हूँ, मेरे को सॉरी कह रहा हूँ ना भाई, इनको तो मारने का भी मन नहीं कर रहा, इतना क्यूट जो है ना यार, मैं इधर से चले जाऊंगा। खैर अच्छी बात यह ना गाइस, अपना प्लेयर किसी भी दीवार पर चढ़ सकता है, ये देख रहे हो भाई, कहीं भी चढ़ जाता है स्पाइडरमैन की तरह। खैर ठीक है अभी वो लैंप बॉल से हटाते हैं भाई इसको, जब बेफालतू के पंगे चाहिए नहीं है, मेरे को मारने का मन तो है नहीं तुझे, ये ले बट ये ले, मारेगा लड़ाई करेगा भाई यार, नहीं मुझे इसको मारना नहीं यार, बहुत क्यूट है भाई ये। खैर भाई अभी मेरे को ना बेफालतू की हरकतें नहीं करनी है भाई अभी, ठीक है गाइस, सबसे पहले तो ना मेरे को यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, हमें रात होने से पहले पहले ना यहाँ पे एक बेस बनाना पड़ेगा, या फिर कह लो कि हमको बेड वगैरह लगाना पड़ेगा ताकि हम सो सकें। इस वाली गेम के अंदर में भी ना माइनक्राफ्ट की तरह रात में बहुत ज्यादा खतरनाक ही मॉन्स्टर्स आते हैं, और हाँ मुझे पोकेमोन्स भी तो पकड़ने हैं ना। खैर सबसे पहले ना मुझे यहाँ पे बनाना होगा एक वर्क बेंच, जिसको कहेंगे प्रिमिटाइव वर्क बेंच, इसको बनाने के लिए ना अपने पास में 6 लकड़ियां होनी चाहिए जो कि मैंने इधर उधर कलेक्ट करी ली। ठीक है काम करते ना, यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है अभी ये बिल्ड हो चुके हैं, और अभी ना मेरे को इसको बिल्ड करना पड़ेगा भाई प्रॉपर तरीके से, देख रहे हो ऐसे हथौड़े मार मार के बिल्ड करना पड़ेगा। इसके अंदर में मुझे एक आधी रेसिपी बनानी पड़ेगी, इसके अंदर मैं बना सकता हूँ वुडन क्लब, जिससे कि मैं वुड इकट्ठा कर पाऊंगा। फिर अभी ना सबसे पहले मुझे टेक्नोलॉजी स्किल ओपन करनी पड़ेगी, कुछ रेसिपी सीखनी पड़ेगी हर एक चीज की। यहाँ पे ना मेरे पास टेक्नोलॉजी पॉइंट्स है, इनके थ्रू मैं कोई भी स्किल अनलॉक कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे एक पैल स्पेयर है जिसको मैं ओपन कर लूंगा। ठीक है इससे क्या होगा ना गाइस, मैं इजीली कोई भी पोकेमोन को अपने पैल बॉल में पकड़ पाऊंगा। खैर यहाँ पे कैंप फायर भी है, स्ट्रक्चर्स भी हैं और काफी सारी चीजें हैं, यहाँ पे कैंप फायर भी है और वुडन चेस्ट है और रिपेयर बेंच है और फाउंडेशंस वगैरह है, बट मैं यहाँ पे पैल बॉक्स अनलॉक करूंगा, इससे क्या होगा ना मैं कितने भी पोकेमोन पकड़ूंगा उनको इसमें रख पाऊंगा, मतलब देख रहे हो क्या ये भी मस्त है। खैर ठीक है अभी हम लोग एकदम ही बिगिनर लेवल पे है, तो हमारे पास में भी हमने अभी तक 3 पैल एक्सप्लोर करे हैं, सबसे पहले तो लैम्प बॉल था जो उनसे मेरे से लड़ रहा था बेफालतू में, और ये कैटिवा था जो कि डर के भाग रहा था बेचारा। अरे एक और है चिकीपी, ठीक है एक टाइप की मुर्गी सी है, मैंने अभी तक देखी नहीं, शायद मुझे दिख गई हो इधर उधर कहीं घूमते हुए। बाकी हाँ ठीक है अभी ना मेरे को कुछ ना कुछ इधर बनाना है, अभी मेरे को पैल पेयर बनाने के लिए ना पैलडियम फ्रेगमेंट चाहिए और 3 वुड चाहिए, मेरे पास में 4 है जो मैंने इधर उधर से उठा ली थी, इसके अलावा मेरे को स्टोन चाहिए, और ये वुडन क्लब बनाने के लिए मुझे बस 1 लकड़ी और चाहिए। काम करता हूँ मैं यहाँ से लकड़ी इकट्ठी कर लेता हूँ। खैर ये देख रहे हो ना तुम लोग ये टाइप के स्टोन वगैरह इकट्ठे करने हैं, ये देखो ये स्टोन एक पड़ा हुआ मिल गया, एक स्टोन ये मिल गया, और ठीक है चीज है वो मुझे एक पैल स्पेयर पड़ा हुआ मिल गया, मतलब एक पोकेबॉल्स, खैर ये एक रेड बेरीज जैसी चीजें देख रहे हो ना, ये जैसे माइनक्राफ्ट के अंदर में खाना होता है ना रेड बेरीज टाइप वो चीज है। खैर ठीक है ये भी मैं अभी मस्त खा लेता हूँ, ये नीचे वाला बार है मेरी हेल्थ का है, ये मेरे खाने का बार है, अभी इसको फुल कर लेते हैं भाई बेरीज वेरीज खा के मस्त। और अभी फिलहाल तो ना मैं बना सकता हूँ मेरे ख्याल से ये वुडन क्लब, और उसके अलावा मैं बना सकता हूँ हैंड हेल्ड टॉर्च, बट पहले ना मैं ये बनाऊंगा, तो एक बार इसको फटाफट बना लेते हैं भाई। अभी तुम्हारे भाई को ना सारा कुछ हाथों से करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्लो स्लो होगा बट चलो कोई नहीं चलेगा। एक वुडन क्लब, बट इसको इक्विप कैसे करना है भाई? ठीक है अभी आ चुका है मेरे हाथ में वुडन क्लब, मतलब एक बेसबॉल बैट जिससे मैं तोड़ूंगा पेड़। खैर ठीक है ये तोड़ो भाई पेड़, देख रहे हो क्या लकड़ी से ही लकड़ी तोड़ रहा हूँ। एक वुड मिल चुकी है, 2 वुड मिल चुकी है, 3 मिल चुकी है, 4, और मेरा स्टेमिना बिल्कुल ही खत्म हो गया भाई, मुझे स्टेमिना बढ़ाने की वेट करनी पड़ेगी। 6 वुड मिल चुके, इतनी बहुत है मेरे ख्याल से, स्टोन तोड़ सकता हूँ क्या? बट इससे थोड़ा ना टूटेगा भाई, यहाँ से टूटेगा ना स्टोन, 1 सेकंड में स्टोन ऐसे तोड़ नहीं सकता। खैर ठीक है अभी ना मेरे को यहाँ पे बनानी है ये पैल स्फीयर, इसके लिए मुझे बस एक पैलडियम फ्रेगमेंट चाहिए, जो कि ऑब्वियसली मुझे ना इधर उधर से ढूंढ के लेके आना पड़ेगा। और ये है भाई चिपी की, ये चिकी पी जो भी कुछ भी कह लो, हेलो चिपी की कैसी है भाई, ये मारती है क्या वैसे? अबे तुरी भाई देखते करके, अबे तुरी भाई रुक जा, इसकी ऐसी की तैसी, मेरे को डंडा निकालने दो एक बार। हाँ क्या क्या कुछ कह रही थी क्या चिपी की? अबे दोनों लड़ रहे हैं भाई मुझसे, ठीक है भाई एक तो मरी गई और ये दूसरी भी मार दी मैंने, ठीक है इसको मार के वैसे कुछ मिला क्या? हाँ 2 अंडे मिले और 2 लेग पीस मिल गए इसके, ठीक है भाई मुझे इनको मारना नहीं था, इससे बढ़िया इनको पकड़ देता भाई। और अभी ना मेरे को पैलडियम फ्रेगमेंट ढूंढना पड़ेगा, जो कि मुझे पता नहीं कहाँ मिलने वाला है। खैर अच्छी बात है अपना प्लेयर ना कहीं से भी कूद वूद जाता है और कहीं भी चल जाता है, ये मस्त पानी है यहाँ पे ये, और यहाँ पे इजीली चढ़ पाएगा। और ये क्या चीज है? 1 सेकंड भाई यही तो नहीं है क्या भाई? ये है क्या चीज वैसे? ये इस पे मुक्के मुक्के अबे मुक्के मुक्के क्यों मार रहे हैं? अपने पास में वेपन है तो सही, ये मारो इस पे। खैर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, 5 का डैमेज आ रहा है, पहले 3 का आ रहा था। ओ ये पैलडियम फ्रेगमेंट है भाई, लेट्स गो। अभी अपने को एक ही चाहिए था एक और पोकेबॉल बनाने के लिए, बट अपने पास में ना अभी 2 पोकेबॉल है, क्योंकि एक मुझे वहां पड़ी हुई मिल गई थी और एक और मैं बना लूंगा। और अच्छी बात यह ना कि मैं अभी मैं कहीं
कहीं से भी कहीं पे भी कूद सकता हूँ। खैर मेरा स्टेमिना खत्म हो गया अभी। तो ना बहुत ज्यादा गलत बात है यार कि स्टेमिना दे रखा है। बाकी फिलहाल चढ़ते हैं भाई अभी ऊपर। अपना टेम्परेरी बेस तो नहीं कह सकते हम लोग। हाँ खैर ये मैंने यहाँ पे पोकेमोन्स मार दिए भाई, फुटबॉल की तरह कैसे कूद रहा है। ठीक है यहाँ पे बनाते हैं एक पैल स्पेयर, तो बनाने की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं बना रहा हूँ भाई। तो इनको बनाना शुरू करते हैं यार, क्योंकि अपने पास दो पोकेबॉल्स तो हो ही जाएंगे ना कम से कम। खैर ये बन चुकी है भाई एक और पोकेबॉल। खैर ठीक है अभी ना मेरे को एक पोकेमोन को पकड़ना है। ठीक है अभी ना मेरे को एक पोकेमोन को मारना है और उसकी हेल्थ बिल्कुल ही कम कर देनी है ताकि मैं उसे पकड़ पाऊं। मैंने गाइड वगैरह में यही पढ़ा था कि यही होता है। और ये रही वो कैटीवा, रुक जाओ इसकी ऐसी की तैसी भाई, इसे मैं पकड़ने वाला हूँ। ये बहुत तेज के भाग रही है, तो मेरा स्टेमिना जो खत्म हो रहा है ना भाई, उस चीज पे मुझे गुस्सा आ रहा है। आजा बेटा तुझे मैं बताऊं, ये बहुत ज्यादा तेज भाग तेरी भाई। जरा इस वाले पोकेमोन को 1 सेकंड, इसका नाम क्या भाई? पता नहीं इसका नाम क्या लिखा था बट भाई ये बहुत ही क्यूट है यार। इसका नाम है डायनोसोम, देख रहे हो कितनी ज्यादा क्यूट है। इसका लेवल 15 का, इसे पंगा ही नहीं लेना चाहिए भाई। ठीक है ये कैटीवा ना मेरे से पिटने वाले, मैं बता रहा हूँ भाई। कितनी की दूरी चली जाएगी तू? इधर आओ, ये क्या चीज है? ओ ट्रेजर है क्या? गोल्ड कॉइन। 1 सेकंड, तेरी ऐसी की तैसी। इधर आ कैटीवा, ये बहुत तेज के भाग रही है भाई बट मेरे से तेज नहीं भाग पाएगी। हाँ जा, अब ये फाइट लेगी मेरे को जितना लग रहा है ना मुझसे। अभी तेरी भाई पंजे मार रही है। इधर आइए तू, मुक्के खाएगी। रुक जा मेरे को डंडा निकालने दे एक बार। अभी कुछ कह रही है क्या? आइए जरा ये खा तू। अभी ना मेरे को इसकी हेल्थ कम करनी है। अबे मरी गई भाई वो। नहीं मरी नहीं। और इसको ऐसे करके पोकेबॉल में पकड़ना है। और ये भी मैंने पकड़ दिया। अभी ना भाई इसको छोड़ के देखते हैं यहाँ कहीं। ठीक है भाई इसको यहाँ छोड़ के देखता हूँ। ये छोड़ी, ये करेगी क्या मेरे को नहीं पता भाई। ठीक है ये मेरे को लग रहा है ना अभी मेरी बात मानेगी एकदम ही। अभी से मैं कुछ भी कहूंगा ना ये वो करेगी। ठीक है भाई वापिस आ पोकेबॉल में। अभी ना इसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम है, तो मेरे ख्याल से ना मुझे इनको खाना वगैरह खिलाना चाहिए। रेड बेरीज है मेरे पास में बट इसे मैं खिलाऊंगा कैसे मुझे ये नहीं पता है। पैड है। ठीक है अभी ये कैटीवा मैंने पकड़ लिया भाई ये पोकेमोन। तो भाई पहला पोकेमोन पकड़ के सच्ची में काफी ज्यादा खुशी हो रही है। बट भाई मेरे को लग रहा है ना बेफालतू का पोकेमोन ही पकड़ा है, क्योंकि पंजे वंजे मार रहा था मैंने तो 2 मिनट में मार दिया। तो तगड़े पोकेमोन तो 1 सेकंड में मार देंगे ना यार इसे। वुड पड़ी है। और अभी ना मेरे को क्लोथ आउटफिट क्राफ्ट करनी है नाइट के लिए। बेटे ये क्या चीज है भाई? 1 सेकंड, ये एग्रेसिव तो नहीं है ना? तेरी भाई मार वार तो नहीं देगा ना भाई? मेमोरेस्ट भाई हाथी जैसा दिख रहा है सच बताऊं तो ना, कितना तगड़ा। वैसे तो ये चिल्ला कुछ कह नहीं रहा है भाई, बट जरा सोचो इससे पाला पड़ गया ना भाई ये तो एक पैर ही रख देगा, खत्म हो जानी है पूरी कहानी। बट अभी रात होने वाली है यार, और ना मैंने कुछ इतना कुछ खास क्राफ्ट वगैरह भी नहीं करा है। खैर अभी मैंने यहाँ पे एक टॉर्च बना सकता हूँ, एक काम करता हूँ इसे बना ही लेते हैं यार, क्योंकि बेफालतू में रात वगैरह हो जाएगी ना तो मुझे कम से कम दिखेगा तो सही। ऑलराइट गाइस अभी मैंने टॉर्च तो बना ली है बट मुझे लग रही है बहुत ज्यादा तेज की भूख। ये टॉर्च काफी ज्यादा रोशनी तो कर रही है और यहाँ पे वही वो बैरीज वगैरह भी नहीं लगी हुई। अभी मेरे को क्या कुछ करना चाहिए भाई? मैंने अपनी एक पोके बोलना बेफालतू में वेस्ट कर दी अभी और बाय मिस्टेक करी सच बताऊं तो। खैर भाई ठीक है अभी मेरे को लग रही है बहुत ज्यादा तेज की भूख। अभी ना मेरे को कुछ ना कुछ तो खाने को ढूंढना पड़ेगा भाई। ओ एक सेकंड, मेरे पास में ये चीज भी तो है, चिकी विकी क्या कहते हैं इसे भाई, बट अभी मुझे फूड को खाना कैसे ये नहीं मुझे पता। खैर भाई मैं इतनी ज्यादा देर से ना ऐसी देखे जा रहा हूँ, बस मुझे ऐसे ऐसे करना था और भाई मैं कुछ भी खा पी सकता था, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था भाई। बट चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई धीरे धीरे करके देख रहा है भाई। मर गया क्या? सो गया मेरे ख्याल से तो। फिर ठीक है भाई इसको सोते हुए को पेल दूंगा, सुबह तक मेरा पोकेमोन बन जाएगा। बट मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है भाई, बहुत तगड़ा लग रहा है, मतलब 35 लेवल का है। अभी मैं स्टोन पिकेक्स बना सकता हूँ और स्टोन एक्स बना सकता हूँ, जिससे मैं पेड़ वगैरह काट सकता हूँ और पिकेक्स से मैं थोड़े बहुत पत्थर वगैरह काट पाऊंगा। तो एक काम करता हूँ मैं बारी बारी भाई दोनों ही बना लेता हूँ, ये भाई अपने को आसानी रहेगी। अपने को सारा कुछ सारे टूल्स वगैरह चाहिए होंगे अभी, अगर अपने को यहाँ पे सर्वाइव करना है। और अभी मेरे पास में ना ही वुड है और ना ही स्टोन है। खैर ठीक है मैं एक बारी ना थोड़े बहुत स्टोन वगैरह इकट्ठे कर लेता हूँ, बट भाई मैं सुबह करूँ कैसे भाई? 1 सेकंड, अभी मेरे को ठंड लग रही है, मेरे को बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही है और मैं एक एक HP कम कर रहा हूँ भाई अपनी। तो मेरे को आग जला के रखनी होगी क्या हमेशा? यार ये तो गलत बात है भाई, मतलब भाई अभी मुझे सुबह तक ना वेट करना होगा। बट मैं इसी के थ्रू लकड़ी वगैरह तोड़ सकता हूँ। और अभी ना मेरे को 3 लकड़ी चाहिए आग लगाने के लिए, ताकि ठंड ना लगे भाई बेफालतू की। और ये बस 1 लकड़ी मिल जाए यार अपना काम डन हो जाएगा। ओके ठीक है, अपना स्टेमिना वैसे भी खत्म ही हो गया था और लो सुबह भी हो गई। ठीक है अभी मैं यहाँ से कैंप फायर बना सकता हूँ, मुझे 10 लकड़ियां चाहिए। और पैल बॉक्स के लिए पेल्डियम फ्रेगमेंट चाहिए, एक पेल्डियम फ्रेगमेंट, 3 वुड, 2 वुड और 3 स्टोन। ठीक है अभी भाई 1, 2, अभी मुझे 3 वुड चाहिए ताकि मैं पैल बॉक्स बना सकूं। कैट हेल्पर भाई पेड़ वेड़ तोड़वाने में हेल्प करेगा। इधर इधर ओपे भाग मत जाइयो, ठीक है ना? पहले बोल रहा हूँ, पीटूंगा बहुत भाई। बट अभी मेरे को भाई 1 सेकंड, वो देखो सन क्या खतरनाक लग रहा है मून के पास। ओपे इससे दूर ही रहूंगा भाई, बेफालतू में मार वार दे। बट यार मेरे को फ्रेंडली सा ही लग रहा है, कुछ कह नहीं रहा है अभी तक तो। घास वास खा रहा है बेचारा, बट वो देखो भाई सन क्या ही डेंजरस सा लग रहा है। ऑलराइट गाइस
बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और भाई मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा है। मतलब अभी सबसे पहले ना मेरे को क्या क्या बना लेना चाहिए, ठीक है? मेरे पास में यहाँ पे पॉइंट्स है, काम करता हूँ ना मैं सभी कुछ अनलॉक मारने वाला हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास में 8 पॉइंट और पड़े हुए हैं, ठीक है? एक शोडी बैग खोल लेता हूँ और पैल बेड खोल लेता हूँ और रिपेयर किट खोल लेता हूँ एक, और एक क्लोथ खोल लेता हूँ और एक बो खोल लेता हूँ, ठीक है? अब मेरे को बेड बनाने के लिए वुड चाहिए 20, फाइबर चाहिए 5, वूल चाहिए एक, जो कि मेरे को लग रहा है ना मेरे को शीप को मार के मिलेगी। अभी फिलहाल ना भाई मेरे को पैल इकट्ठे करने हैं, उसके लिए मुझे पेल्डियम फ्रेगमेंट चाहिए और 3 वुड चाहिए, ठीक है? अभी हाथ में लेते हैं भाई पिकैक्स, क्योंकि यही काम आने वाली है। और भाई अभी चलते हैं स्टोन तोड़ने के लिए और एक पेल्डियम फ्रेगमेंट और एक पेल्डियम फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट नहीं फ्रेगमेंट भी ले लेते हैं, ठीक है भाई? फिर सारे इकट्ठे कर लेता हूँ, वैसे 2 हो गए हैं, 2-3-4 ले लेते हैं, काम करते हैं, काम आ जाएंगे भाई अपने। चलो बढ़िया, 4 हो चुके हैं अभी फिलहाल तो। एक सेकंड, ये क्या चीज है भाई? भाई ये क्या है? यू फाउंड अ नोट फ्रॉम अनदर एडवेंचर। क्या यहाँ पे ना एक चेस्ट पड़ी हुई है जिसके अंदर में गोल्ड कॉइन और एरो वगैरह मिल चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे एक स्टोन मुझे मिल गया भाई, जरूरी नहीं है स्टोन तोड़ना ही पड़े, हम लोग इधर उधर से उठा भी सकते हैं क्योंकि मिल ही जाते हैं स्टोन वगैरह। बट चलो कोई नहीं भाई, काम बहुत ज्यादा है और करा हमने कुछ भी नहीं है, कोई नहीं भाई, तुम्हारा भाई धीरे धीरे सीख जाएगा और पूरा एक्सपर्ट हो जाएगा इस वाली गेम में। ऑल राइट गाइस, अब मैं पत्थर वगैरह इकट्ठे कर रहा हूँ थोड़े बहुत, काम करता हूँ 5-10 पत्थर इकट्ठे कर लेता हूँ भाई, ताकि अपने को आगे चल के ना कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ना आए यार। और बस एक हिट में एक पत्थर आ गया, चलो बढ़िया, ठीक है अभी मैं देखता हूँ भाई। ठीक है अभी ना मेरे को सबसे पहले यहाँ पे एक पोके बॉल बनानी पड़ेगी, मैं फटाफट से ना यार, अबे यार तू इधर आ, फटाफट से ना मैं यहाँ पे एक पोके बॉल बना लेता हूँ भाई। वैसे मैं यहाँ पे कितनी पोके बॉल बना सकता हूँ, मैक्स कर दो भाई, मैक्स क्या, 2 ही बनाता हूँ मैं यहाँ, ठीक है? देखते हैं 2 बना के, ठीक है फटाफट से 2 पोके बॉल बनाते हैं भाई, काम बहुत ज्यादा है, करा कुछ भी नहीं है अभी तक। और लो 2 पोके बॉल आ गए, अभी ना मैं 2 पोकेमोन को पकड़ सकता हूँ, ठीक है? अभी खाना वगैरह खिला लेता हूँ भाई पोकेमोन को, क्योंकि अभी बारी है लड़ाई करने की, ठीक है? अभी मेरे को जो भी पोकेमोन दिखने वाला है ना, मैं तो भाई उसका मुंह तोड़ने वाला हूँ बस, क्योंकि भाई मेरे को चाहिए बहुत सारे पोकेमोन अपनी टीम के अंदर, ठीक है? तो अभी जो बेफालतू के चिंदी पोकेमोन घूम रहे हैं ना, सबसे पहले तो मैं उन्हीं को पकड़ने वाला हूँ, जो कि यहीं कहीं मिल जाएंगे। एक आधी तो शीप वगैरह पकड़ देते हैं, एक आधी शीप तो मारनी भी पड़ेगी मेरे को लग रहा है मुझे। बिल लेने का टाइम है भाई, हाथ में डंडा, आ जाओ भाई, कौन सा से? लो भाई ये चीपी की को मारो सबसे पहले तो, मार इसे, मारना शुरू कर दे इसे, बस मार इसे, मार इसे, लड़ पीट दे इसे भाई। ओ भाई पोकेमोन की, अभी तेरी तो लड़ोगे, आ जाओ बेटा तुम, आ जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी बे भाई। मैं इन दोनों को मार के ना मस्त खाना वाना लेने जाता हूँ। अभी तेरे से ये भी नहीं मारी गई यार, मुर्गी तो अच्छी यार भाई, अभी मरने की हालत में होगी वो, डेंजर में। वेट भाई, मार तो दिया भाई इसने चीपी, भाई कैटिवा ने मस्त मार दिया, देख रहे हो तुम? आ जा, कोई नहीं भाई, मैं तो इसको बेफालतू की चिंदी समझ रहा था यार, बट इसने पेला मस्त है। खैर अभी खाना वाना तो मस्त आ चुका है भाई अपने पास में, ठीक है? अभी ना मेरे को कुछ अलग टाइप का पोकेमोन पकड़ना है। मैं सोच रहा हूँ ना कि भाई थोड़ा बहुत पहले इधर उधर एक्सप्लोर करो। अभी सबसे पहले तो ना भाई इधर उधर एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। खाना पीना अपने पास में मस्त है ही, एक पोकेमोन भी है, चाहे चिंदी, चिंदी तो नहीं कह सकते भाई, अच्छा खासा मार देती है कैटिवा भी। बट हाँ अभी थोड़ा बहुत आगे को निकलते हैं यार, मेरे को लग रहा है ना मैं गलत रास्ते से जा रहा हूँ, थोड़ा उस साइड से चलना चाहिए, क्योंकि मैं मेन एडवेंचर तो मिस करते हुए जा रहा हूँ। अभी तेरी गिर जाता भाई, है ठीक है? अभी मैं आ चुका हूँ भाई घने जंगलों के बीच में, और अभी ना मेरे को सामने की तरफ को भागना है भाई। ये क्या पड़ा हुआ है? ठीक है भाई, देखो यहाँ कुछ तो चीपी की वगैरह घूम रही है, चीकी पी कह रहा था मैं पहले, और यहाँ पे इतना कुछ खास मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, बस पेंडियम फ्रेगमेंट वगैरह, फ्रेगमेंट वगैरह पड़ी हुई है, फ्रेगमेंट मैं पता नहीं क्यों कह देता हूँ। फिर कोई पानी के पोकेमोन नहीं है क्या भाई? होने तो चाहिए, बट हाँ खैर चलो जो भी है। अभी फिलहाल यहाँ मेरे सामने एक तो वो तगड़े वाला पोकेमोन घूम ही रहा है और एक और पोकेबॉल मिल गई, बट यहाँ मेरे को कुछ तो अलग सा पोकेमोन जाता वो दिखाई, ये देखो ये अच्छे तो शीप है भाई। एक काम करो इसको भी पकड़ ही लेते हैं, रुक जा इधर आ, इसको मारना पड़ेगा वैसे भी, मार भाई इसे, कैटिवा पेल दे इसे, हाँ मार भाई, देख रही हूँ क्या मस्त मार दिया। अभी मैं आराम से मस्त खड़े होकर देखूंगा भाई कि कैसे पीटेगी, क्योंकि अपने को थोड़ी बहुत वूल वगैरह की जरूरत है। एक आधा मुक्का मैं भी मार के भाई गेम खत्म करता हूँ, आजा कैटिवा, ठीक है? अभी मेरे पास में ना एक वूल आ चुकी है, इससे मैं बेड वगैरह, भाई वो कहाँ जाके गिरा जा रहा, खैर चलो जो भी है। अभी गाइज अपना सबसे पहला टास्क ना यही है कि हमको थोड़े बहुत पोकेमोन वगैरह इकट्ठे करके ना एक अच्छा खासा बेस वगैरह बनाना है, ताकि मैं और आगे काम कर सकूं। भाई मेरा मन कर रहा है ना इस पोकेमोन को पकड़ने का, बट मेरे को लग रहा है पैर ही रखना है इसने बस, एक और गेम ही ओवर है। अभी फिलहाल तो भाई मैं इधर एक्सप्लोर करते हुए निकला हूँ भाई। अभी मेन चीज जो है ना वो मेरे को बस पोकेमोन्स पकड़ने हैं बढ़िया बढ़िया से। वेट, सामने मुझे कुछ तो पोकेमोन दिख रहा है भाई, डियर टाइप, डियर नहीं एक्चुअल में घोड़े टाइप का दिख रहा है, कुछ तो मस्त सा यार, मेलपैका भाई, ये खतरनाक लग रहा है भाई मुझे। वेट, एक सामने भी मुझे पोकेमोन दिखा है, ये कौन सा पोकेमोन है भाई? अभी ये क्या पोकेमोन है, शलगम टाइप का, अब इसकी ऊपर की बॉडी ऐसे लग रहा है शलगम। बेटा इसका पेट इधर आ, अब मेरा पोकेमोन तेरे लिए बहुत है बस। अभी तेरी कीकड़ से अटैक कर रहा है भाई, अपना कैटिव अभी तगड़ा, देख रहे हो
बस 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 इसको पकड़ना है, ओए मारना नहीं जान से, वापिस आ जा तू, इसको पकड़ते हैं, काम करते हैं। अबे तेरी मेरे पे क्यों मार रहा है ये भाई, इसको पकड़ के देखते हैं। एक सेकंड, इसने मेरी पोकेबॉल वेस्ट करा दी भाई। गिलो वेट, ओ रुक जाओ भाई, मैंने अभी तो इसको पेला ही नहीं। हाँ इसको और मार, अभी मुक्के पड़ेंगे और मैं बता रहा हूँ। बस 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 मर जाएगा ठीक है, अभी पकड़ के देखते भाई। आजा, इस वाले पोकेमोन को भी पकड़ दो प्लीज। यस लेट्स गो भाई, अभी मेरे पास में हो चुके हैं दो पोकेमोन, एक तो ये वाला है और एक अपना कैटिवा तो है ही। ये लेट्स गो भाई, अभी मेरे को जो खुशी हो रही है ना क्या ही बताऊं। मतलब अपने पास में कैटिवा तो था ही यार, अभी अपने पास में एक नया पोकेमोन आ चुका है, बट इसका नाम क्या है वैसे, मैं इसको फेंक के देखते हैं। इसका नाम है भाई, एक सेकंड रुक जावे, इसका नाम, अबे यार जरा दो मिनट सबर कर ले, गुमासोस क्या जीव नाम है इसका। अबे इधर उधर घूमे जा रहा है भाई, ये देख रहे हो मेमोरस किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वो वाले जो मेमोरस्ट मैंने पीछे देखे थे ना, वो तो कुछ भी नहीं है भाई, असली में इन सबका बाप तो ये लग रहा है मेरे को, और ये मैं बता रहा हूँ सच में अग्रेसिव तो होगा भाई पक्का। मैं इसके पास जाके देखूं क्या भाई, वैसे तो कुछ नहीं कर रहा भाई, ये कितना बड़ा है साइज में। वो वाले तो इसके बच्चे लग रहे थे भाई मुझे, वो फीमेल होंगी पक्का, ये मेल है भाई, ये खतरनाक। मैं निकल रहा हूँ भाई यहाँ से, बट एक दिन ऐसा होगा ना इसको भी पकड़ दूंगा मैं। ओए भाई ये हवा में क्या उड़ रहा है भाई, नाइट विंग भाई, मस्त लग रहा है बाज सा। और उसके सामने देखो डियर घूम रहे हैं भाई ये, भाई भाई बट एक्चुअल में इसे देखो, ये नाइट विंग कितना ज्यादा कूल दिख रहा है यार। मेरे को ये चाहिए भाई, ये पोकेमोन तो चाहिए मेरे को किसी भी हालत में। भाई वो सब तो छोड़ो, यहाँ पे एक और है, बट भाई यार मेरे पास में ना पोकेबॉल नहीं है एक भी, और मेरे को ना पोकेबॉल बनानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। ठीक है मैंने यहाँ पे एक ये बना लेता हूँ भाई, एक बिल्डिंग टेबल मुझे बनाना पड़ेगा, क्राफ्टिंग टेबल, जिससे कि मैं पोकेबॉल बना सकूं। यार एक तो पोकेबॉल ना मैंने तीन बेफालतू में वेस्ट कर दी, अभी मैं मैक्स बनाने वाला हूँ, चार बन सकती है भाई, चार बना दो एक काम करो। अबे यार तू यहाँ, इसको गलती से मैंने रिलीज कर दिया, बट हाँ चलो ठीक है, मैं अभी चार पोकेबॉल फटाफट से बना लेता हूँ। और सामने भाई कुछ तो मुझे मस्त सा दिख रहा है यार, आग सी लगी हुई है और कुछ तो फॉक्स टाइप लग रही है। रुक जाओ भाई सब पकड़ दूंगा मैं बता रहा हूँ, भाई रुक जाओ मेरे को ये सामने वाली तो देखनी है भाई। वेट भाग रही है भाई मुझसे, भाग फॉक्स पार्क भाई, इसको चाहिए, ये चाहिए भाई मुझे, इसे मार। अबे ओए कहां गया भाई, इसे मार ना, इसे मार, इसे पेल दे, जाओ इसकी ऐसे नहीं मानेगा। अब लड़ाई कर भाई इससे, मार इसे मार ना। ओए भाई चीकड़ तो मस्त मार रही है ये, कुछ अच्छा खासा डैमेज भी पहुंच गया देख रहे हो। अबे तेरी आग उगलती है भाई, ये तेरी ऐसी की तैसी, मार 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 इसे मैं भाई। अबे तेरी भाई आजा मार मार मार, अबे तेरी भाई आग लग रही है गलत लेवल की, तेरी ऐसी की तैसी भाई, तेरे से बढ़िया ना कैटिवा ही है वैसे भाई। इसको क्या गंदे डैमेज मार रही है ये, और रुक गया मर जाएगी, बस मर जाएगी, रुक जाओ इसको कैप्चर करना है भाई मुझे। लेट्स गो भाई। एक और पोकेमोन आ चुका है भाई यहाँ पे अपना, भाई लेट्स गो, तुम्हारे भाई ने तगड़े वाला पोकेमोन तो पकड़ दिया। ये देखो इसका नाम है फोर पार्क्स, वो भी है। अभी मुझे क्यों मार रही है, वेट वो से मार रही थी, बट हाँ अभी जो भी मैंने सबको खाना वाना खिला दिया। ये देखना भाई इसने मेरे में आग लगा दी, तेरी भैंस की, इधर आइए तू, इधर आइए। अभी भाई वो मर जाऊंगा मैं भाई, मार इसे मार भाई, तेरे बॉस पे अटैक कर रही है, मार दे इसे खत्म कर भाई, बेफालतू में मार के रख दिया यार भाई इस साइड से, भाई ये मर जाएगी मेरे को लग रहा है ना, ये कैटिवा छोड़नी पड़ेगी। कैटिवा भाई अपनी तगड़े लेवल के देख रहे हो, मस्त मार देगी इसे अभी दो मिनट में। भाई रुक जाओ इस पे तो चीकड़ उछालना पड़ेगा, ये ले मार इसे, तू मार भाई, मैं इतना इधर उधर जाके आता हूँ भाई, देख रहे हो क्यूट सा तो बहुत ज्यादा ही है भाई, दो मिनट में मार देता इसकी ऐसी कुछ ऐसी भाई, इसे मैं बताऊँ, इसे तो मैं ही पेल दूंगा अकेला, डंडा निकालना पड़ेगा। रुक जाओ आजा बेटे, तू मरेगा मेरे हाथ से, तूने मेरे में आग लगाई ना बेफालतू में, ये बस मर ही समझो, मर भाई मर भाई, से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ओए भाई मेरा पोकेमोन इसने मार दिया भाई, इसने मेरा पोकेमोन मार दिया, बट इसका भी एक हिट बचा है, ये एक हिट पड़ेगा इसको और ये खत्म है, बता रहा हूँ। कैसे बच बच के भाग रही है, मर मर। अबे भाई मैं इसे मार भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा स्टेमिना खत्म हो गया, ये खा डंडा तो बेफालतू। अबे तेरी भाई आग लग, भाई मारो इसे, कोई तो मारो यार, तेरी दोस्त को भेजूंगा तुझे मारने, खत्म कर इसे, एक हिट का है भाई, मार भाई, मेरी हेल्थ बेफालतू में खत्म कर दी इन्होंने यार। भाई ठीक है मैं खाना पीना खाता हूँ यार, बेफालतू में ऐसी खत्म कर दी भाई इन्होंने, यार इसके घूसे ही घूसे दूंगा। चलो मर गई भाई, मर गई। आजा भाई, बहुत मुश्किल था वैसे इसे मारना सही में, भाई हेल्थ खा गया यार मेरी सारी की सारी वो। खैर ठीक है भाई, अभी कुछ भी कहो, मेरा एक पोकेमोन मर चुका है, इसे जिंदा करने के लिए मुझे अभी पैल बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है अभी बनाते हैं भाई फटाफट से पैल बॉक्स, देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा पैल बॉक्स बनाने के लिए। अभी मेरे को चार वुड चाहिए भाई, वुड ही चाहिए ना बस, वुड तो अभी मैं इधर से तोड़ दूंगा इकट्ठे। एक सेकंड भाई, ये कौन बैठा हुआ है, न्यू फेस, डोंट यू टेल मी यू आर एन आउटसाइडर, भाई चल चल अपने बाप को मत सिखा, इसको पीट सकता हूँ वैसे मैं। ठीक है छोड़ो, क्यों फालतू में पंगे लेने, एचपी पहले खत्म हो रही है। खैर अभी ना भाई ये वाला बंदा मेरे को बता रहा था कि क्या क्या कैसे कैसे करना होता है यहाँ पे, मतलब क्या क्या पोकेमोन वगैरह पकड़ने और कैसे कैसे पकड़ने भाई, ये क्या चीज है, लफमंग एफिगी, मुझे नहीं पता है क्या चीज है, बट हाँ यार मुझे ना यहाँ पे तीन चार लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करनी है, पिकैक्स से तोड़ते हैं भाई लकड़ी, और क्या भाई तुम पहला बंदा देख रहे हो जो पिकैक्स से लकड़ी तोड़ रहा है पत्थर तोड़ने की जगह। ठीक है जो भी है, चार लकड़ी आ चुकी है भाई। रवि ना भाई चल के, रवि भाई फटाफट से ना एक पैल बॉक्स बना लेते हैं। पैल बॉक्स बनेगा कैसे, यहाँ तो कोई ऑप्शन आ नहीं रहा भाई। ओके ठीक है भाई मुझे समझ आ गया, अगर मुझे पैल बॉक्स बनाना है ना, तो अगर मैंने यहाँ पे पैल बॉक्स बनाया है ना भाई, तो वो प्रॉपर मेरा एरिया हो जाएगा, मतलब मेरा बेस बन जाएगा भाई। अभी पैल बॉक्स बनाने के लिए ना मेरे को थोड़े से और मिशन करने पड़ेंगे, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बाकी अभी ना मेरे
मेरा और मेरे पैल्स का लेवल 4 हो चुका है और मैंने यहाँ पे कुछ पोकेबॉल्स इकट्ठे कर लिया भाई, थोड़े बहुत और पोकेमोन वगैरह इकट्ठे करते हैं। एक तो अपना मरी गया ठीक है, एक अपने पास में कैटिवा है, एक और है, एक ये वाला था ग्यूमस, और एक है अपने पास में फोक्स पैर्क्स या जो भी कुछ भी कह लो फोक्स पैर्क्स। खैर यहाँ पे एक लूट पड़ी हुई है, इसको खोल लो भाई, इसमें से अच्छा खासा सामान मिल जाता है। बट मुझे ना यहाँ पे एक नया पोकेमोन दिखाई दे रहा है, इसे पेल दे भाई, इसे मारना है, इसे मार दे इसे। अबे भाई खेलना नहीं है यार, इसे मारना है भाई, मुझे इसे कमांड देना पड़ेगा। बट वो गया कहाँ एक्चुअल में, अबे दिखाई नहीं दे रहा भाई, वो कुछ अलग सा पोकेमोन लग रहा था मेरे को और बढ़िया सा लग रहा था। इधर आबे जाओ, मेरे को उसको दोबारा ढूंढना पड़ेगा। वोरा मुझे यहाँ से तो दिख गया भाई, वो मैं पकड़ के रहूंगा कुछ भी हो जाए। बढ़िया से लग रहा है, पेंगुइन टाइप कुछ तो लग रहा है वो, मस्त। मार इसे, मार 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 भाई, उसे मारना है, एग्रेसिवली मारना है पूरे अच्छे तरीके से, खत्म कर देना भाई। मार इसे, मार मार मार, ऐसी की तैसी इसकी, मार इसे। इधर आबे तू, तेरी ऐसी की तैसी। भाई यार कहाँ घूम रहा है भाई मेरा पहल, क्या बेवकूफ है क्या भाई मेरा पोकेमोन। मार इसे भाई, बहुत तेज भाग रहा है वो भाई। एक तो ना मैं पानी में तैर भी नहीं पाऊंगा, ये पानी में क्या आग मार रहा है यार, तू इधर आ जा, कुछ काम नहीं, किसी काम का नहीं, वो बच के भाग गया भाई बेफालतू में। भाई मेरे को लग रहा है ना मेरे को कैटिवा ही निकालना पड़ेगा भाई, ये कैटिवा बहुत ज्यादा स्लो है, वो बहुत तेज भाग रहा है, मेरे को ना उसके पास जाना पड़ेगा बिल्कुल ही। रुक जाओ, इसके लिए भाई मेरा स्टेमिना ही खत्म हुए जा रहा है, मैं क्या करूं भाई। भाई वो बहुत दूर निकल चुका है और अभी ना पीछे पीछे जाऊंगा मैं, कहीं और ही पहुंच जाऊंगा। बट एक सेकंड भाई, वही वेट, इसे मैं पकड़ सकता हूं भाई, वो भी भाग गया यार। ये क्या नाम है इसका, कैलरे। एक सेकंड भाई, ये पकड़ना है भाई मुझे, ये पकड़ना है मुझे, उड़ने वाले चाहिए भाई। भाई यार मैं तैर भी नहीं सकता हूं ना तेज भाई, तो मेरी एचपी बेफालतू में, तो ना मेरी स्टेमिना ही बेफालतू में खत्म हुए जा रहा है। जाओ यहां अटैक कराना पड़ेगा भाई, अटैक कर इस पे भाई। ठीक है अभी अटैक कर दिया भाई, तेरी एचपी से ज्यादा होनी चाहिए। मार इसे, मार मार भाई, मुझे ये वाला पैल चाहिए आज तो किसी भी हाल में। भाई दो आ गए इसकी, ऐसी की तैसी। अबे मुझे क्यों मार रहे हो, उससे लड़ो ना। मार इसे, मार, दो आ गए ना एक तो। रुक जाओ मेरा, मेरे को ना भाई डंडा निकालने दो एक बारी को। जाओ अभी इसको पकड़ के देखते हैं। नहीं, कैंसल भाई, भी पकड़ ही नहीं पाऊंगा मैं इसे, कहां गया भाई। मारियो मत भाई, पूरा मत मारा कर यार। चलो कोई नहीं, एक को मारना था और एक को पकड़ना था, ठीक है भाई, दोनों भाई मिलके मारेंगे। भाग के इधर रहा है, इधर तेरी इसकी एचपी ना कम करनी है मुझे। बस तू इधर आ जा पहले, तू इधर आ जा भाई, अटैक करेगा मेरे ऊपर, मैं बता रहा हूं, गंदा अटैक करेगा। देखो बच रहा है तुम्हारा भाई फिर भी करके। इधर भाई, इसने मेरी एचपी अच्छी खासी तो कम कर ही दिया भाई, ठीक है अभी मुझे इसको पकड़ के देखना है भाई। बट ये आएगा ही नहीं इसका, वेट आएगा क्या, कैप्चर रेट कम था भाई इसका, मुझे थोड़ी सी ना और इसकी एचपी खत्म करनी पड़ेगी। अभी आएगा क्या, 80% है। बट भाई मुझे ना इसको बिल्कुल ही मारना नहीं, और ये मर ही गया भाई, मैं इसको मारना नहीं चाहता था यार, बट ये मर गया भाई, मैं क्या करूं भाई। काश ये मिल जाता भाई यार मुझे, काफी प्यारा था, और आगे की तरफ थोड़े से और है, और एक टू लेवल का, टू लेवल वाले को मारने की कोशिश करते हैं भाई। वो ये रहा। इसको मार सबसे पहले तो ना, तो इसे मार, इसकी मैं इसकी इधर आ दूं, इधर आ भाई, इधर इसे तो पकड़ूंगा भाई, किसी ना किसी को तो आज पकड़ूंगा। रुक जा, मर जाएगा भाई, पकड़ा जा प्लीज। यस लेट्स गो। यस भाई, एक तो मिल गया। आ जाओ इसको भाई, अभी मेरे पास में कितने और है भाई, अभी एक पेल स्पेयर और है मेरे पास में, बस मैं एक को ही पकड़ सकता हूँ यार। ये क्या भाई, टीफेंट, फिर जो भी है ना मुझे इसको पकड़ना है यार, एक मेरा बहुत ज्यादा मन है इसको पकड़ने का, और ये वाला परफेक्ट लेवल है, इसे तो पकड़ ही दूंगा मेरे को जितना लग रहा ना भाई, मैं इसे तो अकेले ही पकड़ दूंगा। इधर आइए भाई, तेरी भाई गंदा डैमेज मार रहा है यार। हाँ जा, इसको पकड़ दूंगा भाई, प्लीज मुझे एक उड़ने वाला चाहिए, मुझे एक उड़ने वाला चाहिए। ये लेट्स गो भाई, आज तो तुम्हारा भाई ना ओपी बन चुका है, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना भाई। खैर अभी ना मुझे कोल्ड फील हो रहा है यहाँ पे, ये ले लेना चाहिए भाई हाथ में, थोड़ा बहुत टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अभी मैंने टोटल 5 पोकेमोन्स पकड़ लिए हैं, बट जिनमें से एक मर चुका है, इसका नाम एक्चुअल में ग्यूमोस है। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई उसे भी जिंदा कर देगा अगले वाली वीडियो में पैल बॉक्स बनाकर। चलो गाइस, आज वाली वीडियो में बस इतना ही, होप करता हूँ आपको आज वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना मुझे और कौन से पैल्स पकड़ने चाहिए, और पैल्स को पकड़ने की नई नई ट्रिक भी बता देना भाई, क्योंकि तुम्हारा भाई एकदम ही नया इस गेम है, बट सीख जाएगा भाई धीरे धीरे, एकदम ही प्रो बन जाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।